हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी चल ही रही होगी। समय थोड़ा सा खराब है, लेकिन पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि फाइनली रिजल्ट मैटर करेगा। रिजल्ट को लाने के लिए मेहनत जारी रहनी चाहिए। तो अभी जो हम टॉपिक लेके आए हैं, अभी जो ये टॉपिक है लिमिट्स, कैलकुलस को पूरा पढ़ने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है लिमिट के बाद कैलकुलस में, जैसे कंटिन्यूटी है, डिफ्रेंसिबिलिटी है, पूरा टॉपिक नहीं लिख रहे यहाँ पे हम। आगे जो भी टॉपिक है, डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन है, जो भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद एक, कभी कभी दो भी, एक तो अनिवार्य रूप से जीई में हर साल आता है लिमिट का क्वेश्चन। तो लिमिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग देखेंगे, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लिमिट का आखिर में क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट, पहले हम इसको समझेंगे। क्योंकि लिमिट पढ़ना आसान है, क्वेश्चन बनाना भी आसान है, सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूला, सब कुछ आ जाएगा हमको, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर में लिमिट का कॉन्सेप्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग उसको समझेंगे कि लिमिट को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसको जानने के लिए अगर हम थोड़ा सा चलें, तो जैसे फंक्शन में हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग मशीन से समझ सकते हैं। जैसे कोई मशीन है, वो किसी खास इनपुट पे अगर हमको आउटपुट दे रहा है, यानी कि वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी मशीन की बात करें, कोई भी मशीन डिजाइन होता है, तो मशीन डिजाइन होने से पहले उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जाता है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग डीप में, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो किसी भी मशीन को अगर डिजाइन किया जाता है, तो डिजाइनिंग से पहले उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जाता है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग इन द सेंस उसका फॉर्मूला लिखा जाता है मैथ्स में। ऐसे हम लोग चले, कोई भी चीज होता है, जैसे आंधी तूफान, बारिश हो रही है, तो सबको मैथ्स में ग्राफिकली डिजाइन करते हैं हम लोग। न्यूज में देखते होंगे कि बारिश होती है तो कहाँ कितना बारिश हो रहा है, उसको भी ग्राफ से डिजाइन किया जाता है। जैसे अब फैन बनाना है हमको, तो फैन बनाने से पहले फैन का जो डिजाइनर होता है वो उसका फॉर्मूला लिख लेता है, ये फैन किस फॉर्मूले पे वर्क करेगा, फिर उसी के तहत वो फैन को डिजाइन करता है। जैसे टीवी बनाना है, फ्रिज बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो पहले उसका फॉर्मूला लिखा जाता है। तो कोई भी मशीन, जैसे थोड़ा सा चर्चा कर लें, कोई भी मशीन दुनिया का वो आइडियल नहीं होता, वो क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। आइडियल नहीं होता कोई भी मशीन, आइडियल इन द सेंस हमेशा सही हो, ऐसा कोई भी मशीन नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकली मशीन को डिजाइन किया जाता है, प्रैक्टिकल इन द सेंस अपना काम चले, ठीक है। तो अगर हम फैन की बात कर लें, जैसे हर रूम में फैन लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है, तो फैन किस पे चलता है? करंट पे चलता है। तो अगर फैन का मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जाए, तो अगर नाम दे दें हम फंक्शन का एफ, फैन किससे चलता है? करंट से, तो एफ मतलब फैन का जो इनपुट है वो आई है, और वो इस फॉर्मूले पे वर्क कर रहा है, अपने मन से फॉर्मूला ले रहा है, आई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय आई माइनस टू, ठीक है। जैसे फैन का अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद, ये फैन का फॉर्मूला है, मतलब इसी फॉर्मूले पे, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं है फैन का, ये मैं ज्यूम कर रहा है, हमें नहीं मालूम कि क्या फॉर्मूला होता है, वो डिजाइनर को मालूम रहता है कि इस फैन का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा लिखें, एफ आई इज इक्वल टू, इसको अगर फैक्टराइज करें हम, आई स्क्वायर माइनस फोर को आई माइनस टू एंड आई प्लस टू डिवाइडेड बाई आई माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस फंक्शन में आई की जगह पे एग्जैक्ट टू रखते हैं, इफ आई इज इक्वल टू टू एम्पियर, करेंट कहेंगे टू एम्पियर, अगर इसमें हम आई की जगह पे टू रख दें, ये क्या हो जाएगा? आई की जगह पे टू
माइनस टू, फिर यहाँ पे टू प्लस टू और ये टू माइनस टू। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी जीरो एग्जैक्ट, ये भी जीरो एग्जैक्ट, जीरो को जीरो डिवाइड नहीं कर सकता कभी, यानी कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म ले लेगा। ठीक, और हम लोग बेसिक में अलेवेंथ में बचपन में पढ़ चुके हैं कि जीरो बाई जीरो को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ये है इनडिटर्मिनेट, यानी कि जो अपना फंक्शन है, जो फैन का जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं वो टू एम्पेयर पे इनडिटर्मिनेट हो रहा है। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है जिसका भी ये फॉर्मूला है वो तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। अब हम लोग मार्केट जाके ये नहीं बोलेंगे कि फैन लेने से पहले उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला फॉर्मूला दिखाइए, चेक करेगा, मतलब ये मार्केट में आने से पहले की बात है। अगर ये 2 एम्पेयर पे फैन 0/0 आउटपुट दे रहा है, मतलब मशीन खराब हो रहा है, तो डिजाइनर क्या चेक कर किया, और यहीं भी प्रॉब्लम आया कि आखिर में क्या किया जाए। तो फिर क्या चेक करते हैं कि अगर करंट 2 एम्पेयर से जस्ट पहले वाला हो रहा है, मतलब 1.999, मतलब जस्ट पहले, कितना पहले ये भी नहीं बता सकते, जस्ट पहले, 2 से थोड़ा पहले, तो क्या होता है। एफ में अगर 2 माइनस करंट दे दें तो उसे जस्ट पहले, तो ये आई माइनस टू और आई प्लस टू और यहाँ पे फिर आई माइनस टू, तो इस समय ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा 2 से छोटा है, कुछ भी फाइनाइट चीज आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ भी वही चीज आएगा, ये दोनों उस समय एग्जैक्टली कटेगा, जीरो जीरो नहीं है दोनों, तो बच जाएगा आई प्लस टू और टू माइनस। अगर यहाँ पे रखें हम तो ये टू माइनस, मतलब टू ही एग्जैक्ट मान ले यहाँ पे, तो जस्ट टू से पहले, मतलब जस्ट ये 4 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट 4 नहीं है, 4 से थोड़ा छोटा है, तो आउटपुट हमको मिला 4, मतलब 4 से जस्ट छोटा। अगर अब डिजाइनर आई की जगह पे 2 प्लस दे के चेक करें, मतलब 2 से जस्ट पहले वाला करेंट दे के चेक किए, फिर अब 2 के जस्ट बाद वाला, मतलब 2.00000 कितना जीरो के बाद 1 मान लेते हैं, एकदम जस्ट 2 से बाद, उस समय क्या आता है आउटपुट, तो उस समय क्या आएगा, ये आई माइनस टू I प्लस टू और ये I माइनस टू, तो 2 प्लस पे भी ये जीरो नहीं होगा, कुछ होगा फाइनाइट पॉजिटिव, तो ये भी होगा कुछ पॉजिटिव, ये दोनों फिर कट जाएगा। 2 प्लस अगर यहाँ I की जगह रखें तो 2 से थोड़ा अधिक प्लस टू, यानी 4 से थोड़ा अधिक, मतलब दोनों लगभग सेम है, ये 4 से थोड़ा कम, ये 4 एग्जैक्ट सेम नहीं है। मतलब क्या कहने का अर्थ है कि अगर किसी फैन को हम चला रहे हैं, फुल स्पीड से फैन चल रहा है, स्विच को ऑफ ऑन कर ले, फिर से फैन तो चलते रह गया, मतलब किसी पर्टिकुलर इनपुट पे वो फैन बंद हुआ था, बंद फिर ऑन, तो मतलब जो फैन में हवा ले रहा है उसको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि फैन बंद हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज़ है, अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट पे फंक्शन का आउटपुट इनडिटर्मिनेट आ रहा है तो हम लोग क्या चेक करते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखा गया कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इनपुट पे इनडिटर्मिनेट आउटपुट दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इनपुट से जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला इनपुट के देख करके देख लेते हैं, अगर उस दोनों इनपुट पे पहले और बाद वाले पे फंक्शन सेम आउटपुट दे, अब यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं है, मतलब 4 से जस्ट छोटा और 4 से जस्ट थोड़ा, 4 ही मान के चले हम, अगर सेम दे तो हम फिर उस मशीन को सही बोल सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ रहा है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू है। तो अगर किसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू इनडिटर्मिनेट आए किसी पर्टिकुलर इनपुट पर तो हम लोग क्या उस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को देखते हैं, अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का सेंस ये हुआ कि पहले और बाद में सेम दे, अगर ये अलग अलग आ जाए, जैसे पंखा का स्विच ऑफ किया, जस्ट ऑन किया, स्पीड बदल जाए तो फिर पता चल जाएगा कि पहले तेज चल रहा था कम चलने लगा, तो भी वो गड़बड़ी में आ जाएगा, तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ लिमिट का सिग्निफिकेंस, तो लिमिट क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको ये मालूम चला कि अगर किसी फंक्शन का आउटपुट किसी पर्टिकुलर इनपुट पे इनडिटर्मिनेट आता है तो हम लोग उस फंक्शन का आउटपुट उस पर्टिकुलर इनपुट के जस्ट पहले वाले इनपुट पे और जस्ट बाद वाले इनपुट पे देखते हैं,
और फिर उस दोनों को देखते हैं, अगर वो दोनों आउटपुट सेम आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू इंडिटरमिनेंट आते हुए फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो फंक्शन पे सही है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये लिमिट का एकदम बेसिक चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग LHM एंड RHL। ठीक, ये LHL RHL क्या है? LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? अगर किसी खास इनपुट पे हम लोग जैसे FX को A पे देखना है, हमको LHL क्या होगा, कोई भी फंक्शन है तो FX का LHL अगर A पे देखना है तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इस FX का जब x a से पहले हो। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, LHL जो है उसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू, ये टेंस टू या अप्रोचेस टू, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। इसका क्या मतलब होगा, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कब, जब x a को टेंड कर रहा है, मतलब इधर से a से जस्ट पहले वाला इनपुट हम लोग इसमें रखेंगे, ये हो गया LHL। फिर क्या होता है RHL, RHL इन द सेंस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब RHL को कैसे लिखेंगे, तो A पे हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, तो RHL को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू A प्लस fx। मतलब इसको ऐसे सोचेंगे कि इस fx का लिमिटिंग वैल्यू कब, जब x A प्लस हो, तो इसे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, मतलब A को अप्रोच कर रहा है इधर से। ठीक है, तो ये LHL और RHL का नोटेशन हुआ, ये RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस fx, ये LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस fx। पहले तो ये लोग हम लोग देख लिए कि LHL RHL क्या होता है। ठीक है, अभी क्यों देख लिए, क्योंकि हमको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम लोग LHL और RHL को निकाल कर ही देख सकते हैं। ठीक है, अब कोई फंक्शन है और अगर a पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब a पे उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x equal to a exist, then LHL at x equal to a should be equal to RHL at x equal to a। मतलब अगर किसी फंक्शन का किसी इनपुट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस फंक्शन fx का लिमिटिंग वैल्यू इस a पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि उस फंक्शन का LHL और RHL उस a पे बराबर होना चाहिए। मतलब फंक्शन का वैल्यू a माइनस पे, मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। बस अगर लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है हमको, तो हम लोग एग्जैक्ट पे चेक भी नहीं करेंगे कि 0/0 आ रहा है कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ए पे कुछ भी आए, ऐसा नहीं कि ए पे 0/0 आएगा तभी हम लोग लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू चेक करने के लिए दे दिया हमको, तो हम आगे पीछे देखेंगे, बस एग्जैक्ट देखना ही नहीं हमको। तो किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करता है, जब ये दोनों बराबर होता है, जिस पॉइंट पे हमको चेक करने के लिए बोला जाए। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कुछ बेसिक क्वेश्चन को, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से अगर कुछ क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन ये चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अगर हम लोग चेक करें, ठीक है,
कुछ क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं पहला फंक्शन हमको चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स। अब इस फंक्शन का वन बाई एक्स का जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस fx, fx है यहाँ पे वन बाई एक्स। अब जीरो माइनस मतलब नेगेटिव ही हुआ, थोड़ा सा जीरो से छोटा, ये वन पॉजिटिव और नीचे x की जगह पे जीरो से थोड़ा सा छोटा देंगे। आपको मालूम है कि वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये जो माइनस साइन, ये जो जीरो माइनस है तो मतलब ये नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव में ये इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। और अगर RHL को बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस वन बाई एक्स, उस वन बाई एक्स में एक बार जीरो से प्लस रखेंगे, बार बार में जीरो से माइनस, तो जीरो से प्लस अगर रखेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव हुआ, जीरो से जस्ट आगे, वन बाई जीरो मालूम है हमको इन्फिनिटी होगा, प्लस वाला जीरो है तो प्लस इन्फिनिटी। तो LHL और RHL यहाँ पे बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि इस फंक्शन का वन बाई एक्स का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जीरो पे। जैसे हम दूसरा देखें, लिमिट x टेंड्स टू टू, और यहाँ पे बॉक्स x रख देता, तो अगर इसमें हम LHL निकालें तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस, और ये बॉक्स x, मतलब इस बॉक्स x में टू से थोड़ा सा पहले देख के देखो, 1.9 देख के देखो बॉक्स, 1.9 का बॉक्स क्या हो जाएगा, वन। बॉक्स क्या होता है, जस्ट पहले वाला इंटीजर, जैसे इसमें 1.9 रखा है तो 1.9 से पहले वाला इंटीजर वन होगा, ठीक। LHL, अगर RHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू टू प्लस बॉक्स x, अब टू से थोड़ा सा ज्यादा इसमें देखे देखो 2.001, तो 2.001 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, टू है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो एन इनवर्स वन बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो मॉड x बाय एक्स, चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करता है, इतना बताना है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो मॉड x प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मॉड x, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आई थी इंडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे लिमिट को जब हम शुरू किए तो उसी समय क्या बोले, अगर कोई फंक्शन किसी इनपुट पे इंडिटर्मिनेट आउटपुट देता है, जीरो बाय जीरो आया, ठीक है, तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू की तरफ मूव किए, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट उठ के वहीं से आया था, ठीक है। तो इंडिटर्मिनेट वैल्यू जो होता है वो क्या, कैसे कैसे होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सम इनडिटर्मिनेट, कौन कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेट होता है, पहले हम लोग इसको देखिए। जैसे अभी देखिए जीरो बाय जीरो, वो इनडिटर्मिनेट है, मालूम है हमको कि जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट है। सबसे फर्स्ट जीरो बाय जीरो मालूम है, मतलब क्या, बता चुके हैं कितनी बार, बता चुके हैं कि जीरो बाय जीरो कैसे इनडिटर्मिनेट है, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे लेट जीरो बाय जीरो इज इक्वल टू एक्स, मालूम, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जीरो इज इक्वल टू एक्स इन टू जीरो, ये एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर अगर हम x को फाइंड करें, मतलब x की जगह पे क्या दें हम, कि वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो दें, तो कुछ भी दे दें, वन दे देते तो वन इंटू जीरो जीरो, टू दे देते टू इंटू जीरो, मतलब इस x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं एनीथिंग। और अगर कोई भी चीज हर वक्त सही हो तो मतलब वो गलत है, तुमको गलत लगेगा। यहाँ पे सारा x सेटिस्फाई हुआ है, यानी कि इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि सारा चीज उसको सेटिस्फाई करता है,
उसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। अनडिफाइंड का मतलब भी बता चुके हम कि अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उसको कोई नहीं सेटिस्फाई करे, वो अनडिफाइंड, और जिसको सब सेटिस्फाई करते हैं उसको इनडिटरमिनेट करते हैं। तो ये जो एक्स है, एक्स इन द सेंस जीरो बाय जीरो को भी हम लोग एक्स मान लें, एक्स एनीथिंग एनीथिंग मतलब इनडिटरमिनेट, मतलब जीरो बाय जीरो को हम लोग इनडिटरमिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट ठीक है। अब दूसरा फॉर्म होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं सर, इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, समथिंग बाय जीरो, और इस इनफाइनाइट को भी समथिंग। ये अब एक ट्रिक ही मान लो लिखने का तरीका, ठीक है, इस पर ज्यादा बस नहीं करते हम, के बाय जीरो भी यहाँ लिख दिया, टू बाय जीरो फिर कटेगा नहीं, ठीक है, ये समझाने के लिए। मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को हम जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, के कट गया जीरो बाय जीरो, तो फिर से ये इंडिटरमिनेट। थर्ड होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक, ऐसे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट है। अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात करें, जैसे एक ग्राउंड ले लेते हैं कोई बड़ा सा, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, माइनस एक दूसरा ग्राउंड ले लेते हैं इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, दोनों का इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इसका इनफाइनाइट पॉइंट को माइनस करेंगे कितना पॉइंट्स गिनेगा, तो कोई भी कुछ भी आंसर देते कौन गिनने जा रहा है, सब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को भी हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, इस इनफाइनाइट को वन बाई जीरो माइनस वन बाई जीरो, ये हो गया जीरो और वन माइनस वन, दैट इज जीरो बाई जीरो। मतलब हम सबको जीरो बाई जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बता देते हैं, ये सब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे अब ये ले लें इनफाइनाइट इंटू जीरो, इस इनफाइनाइट को लिख दो वन बाई जीरो और इंटू जीरो, दैट इज जीरो बाई जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्या बोल सकता है, किसी भी चीज़ को जीरो से इंटू करने के बाद तो जीरो होता है, बचपन से ही पढ़ चुके हैं, तो यही तो लिमिट में आ गए हम लोग, बड़े हो गए अब थोड़ा सा, तो ये जो जीरो है ये लिमिटिंग जीरो है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अप्रोचिंग जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये अप्रोचिंग जीरो है। ठीक है, ये जो इन्फाइनाइट में जीरो इंटू हो रहा है ये लिमिट में ही आता है, जैसे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा ये कौन सा जीरो है। एग्जैक्ट जीरो होगा तो वो तो किसी से भी इंटू होगा तो जीरो ही कर देगा ना उसको, ये अप्रोचिंग जीरो है। ठीक है, अब ये चार इंडिटरमिनेट फॉर्म हुए, जैसे और भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो जीरो टू द पावर जीरो, अब ये जीरो टू द पावर जीरो है तो जीरो जीरो को लिख देते हैं वन माइनस वन, ये होगा जीरो पे पावर वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो जीरो पे पावर वन, तो जीरो बाई जीरो आ गया। ठीक है, उस इसी तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट होता है इनफाइनाइट टू द पावर जीरो, इनफाइनाइट टू द पावर इस जीरो को अगर वन माइनस वन लिख दें तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वो भी जीरो बाई जीरो के बराबर है। तो ये छः इंडिटरमिनेट फॉर्म, एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, तो उसको थोड़ा सा अलग से बता लें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सातवां जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सेवेंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्वेश्चन भी इससे ज्यादा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन टू द पावर इन्फिनिटी। अब ये वन फिर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोचिंग वन है। ठीक है, ये वन अगर होता तो वन पे कुछ भी पार दें तो वन ही हो जाएगा वो, तो फिर वो इंडिटरमिनेट कैसे होगा, तो ये वन नहीं है। आगे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में कौन सा वन है। ठीक है, ये वन के पास वाला वन है इधर उधर, तो ये इंडिटरमिनेट वैल्यू लेता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, जैसे ये वन पे पावर इन्फिनिटी, इसको चेक करने के लिए इंडिटरमिनेट, अब एक चीज़ हम लोग बचपन में पढ़ चुके, जैसे ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स को अगर लॉग में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लॉग एक्स बेस, अगर लॉग का बेस और ये बेस सेम हो तो ये हट जाता है, एक्स हो जाता है। सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है, अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए लॉग पढ़ना होगा। तो फिलहाल अभी ये लोग मान लेते हैं ये सही है, तो अगर वन टू द पावर इन्फिनिटी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लॉग वन टू द पावर इन्फिनिटी और बेस में ई, ये दोनों तो हट ही जाएगा वन पे पावर इन्फिनिटी, और ये जो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है पावर कहाँ चलाता है, बाहर, तो ये इन्फाइनिट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग, ये इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा
वन बेस ई। अब ये लॉग वन बेस ई क्या होता है, जीरो। लॉग वन का वैल्यू किसी भी बेस में जीरो होता है। ये हो गया ई टू द पावर इनफाइनाइट इंटू जीरो, ठीक है। ये हो गया ई टू द पावर इन्फिनिटी को क्या लिख देंगे हम, वन बाय जीरो इंटू जीरो, दैट इज ई टू द पावर जीरो बाय जीरो, यानी कि ये भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म ले लिया। तो ये सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म को याद रखना है। कोई भी पूछे कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, सात, कौन कौन से होते हैं, फटाफट बोल दें। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है, जैसे कुछ रिजल्ट के बारे में बात कर लें, सम रिजल्ट्स, और उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन, सबको आता है। सभी लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे कि ये वन होता है, लेकिन इसका जो प्रूफ है उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्योंकि प्रूफ जानने के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो साइन थीटा बाय थीटा, अब इसको एक सर्कल में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये थीटा मान लें हम, ये एल मान लें, और ये रेडियस आर है, ठीक। यहाँ पे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, मान लेते हैं कि एच, ठीक है। तो इस सेक्टर में अगर थीटा की बात करें तो एल बाय आर, और जब भी ये फॉर्मूला लगता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, यानी कि थीटा रेडियन में है 100%, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। इसी तरीके से इधर वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा निकालें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच परपेंडिकुलर बाय आर, ये हो गया दूसरा, ठीक। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा बाय थीटा। तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, कब निकालना है, जब थीटा जीरो के पास, मतलब ये जो एंगल है एकदम छोटा हो, ठीक। एंगल जीरो कब होगा, एकदम जस्ट बेस पे ही हो जाएगा ये थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एच बाय आर, और फिर थीटा की जगह पे एल बाय आर, आर और आर कैंसिल, ये हो गया एच बाय एल। तो थीटा टेंस टू जीरो पे एच डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू हमको निकालना है। अब एच ये है और एल ये है, तो थीटा जब जीरो होगा, ऐसे अगर हम समझे यहाँ पे कि थीटा अगर जीरो होगा, ऐसे ये थीटा है जीरो है, इसको अगर हम नीचे लेके आ जाएंगे पूरा छोटा कर दें, ये थीटा एकदम जीरो, तो उस समय ये एल आर्क लेंथ और ये परपेंडिकुलर है, जस्ट सेम होगा, दोनों सेम होगा नहीं, मतलब थोड़ा सा अंतर होगा लेकिन जस्ट सेम मान सकते हो। तो अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है, उस समय ये एल आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर दोनों का लेंथ लगभग सेम हो जाएगा, तो कट के ये वन हो जाएगा। लेकिन किसी भी हाल में एल बड़ा ही होगा। अगर कोई पूछे कि ये वन से बड़ा होगा छोटा, तो वन से क्या होगा, छोटा, क्योंकि एच है ऊपर और एल है नीचे। साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू वन से छोटा होता है, ये भी हमको इस प्रूफ से मालूम चलता है। जैसे ये वन होता है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, यहाँ बॉक्स लगा देते हैं। अगर इस प्रूफ को हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर गलत कर देंगे। इससे हमको मालूम है साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू वन से छोटा आता है, तो वन से छोटा बॉक्स में जा रहा है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाय साइन थीटा बॉक्स में, तो थीटा बाय साइन थीटा का भी वैल्यू वन ही आएगा। जैसे यहाँ पे थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे करते हैं, तो आर आर कटेगा, एल ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, तो बिना बॉक्स का वन ही होगा। बॉक्स लगेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये वन से ज्यादा आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वन। तो इस प्रूफ से ये मालूम चला, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा भी एक प्रूफ है, दूसरा प्रूफ कैसे, जैसे थीटा की जगह हम एक्स लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब साइन एक्स को हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ये होता और एक्स का ग्राफ ये होता, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एक्स है और ये वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो जब एक्स टेंस टू जीरो, ऐसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि साइन एक्स जो है वो एक्स होता है, अगर इफ एक्स इज वेरी स्मॉल,
वेरी स्मॉल इन द सेंस जीरो के पास, ठीक है। तो साइन एक्स किसके जैसा हो जाता है, एक्स के जैसा हो जाता है कब, जब एक्स बहुत छोटा होता है। तो साइन और एक्स दोनों, साइन एक्स और एक्स दोनों सेम ही रहता है जब एक्स जीरो के पास होता है, तो कट तो बन ही जाएगा। ये ग्राफ में क्या मालूम चल रहा है हमको, ये साइन एक्स और ये एक्स है, जीरो के पास अगर जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, दोनों एक दूसरे के जैसा हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, इसलिए दोनों कट जाता है, वन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रूफ इस फॉर्मूले का, ठीक है, जो कि जानना हमको बहुत जरूरी था, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए इसमें, सबसे फर्स्ट इसको भी हम हटा देते हैं, सबसे फर्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स का बॉक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स बॉक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स, ये भी वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स को लिख दें साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये एक्स है ही, तो ये जो साइन एक्स बाय एक्स ही हो जाएगा वन, तो कॉस एक्स तो जीरो के पास जाकर के जीरो पे कॉस जीरो वन होता ही है, तो ये भी वन हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम लोग प्रूफ किए, इस पर क्वेश्चन भी है काफ़ी सारा, ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे।